एचएसबीसी में उनकी तनख्वाह थी 11 लाख रुपए, यानी कि मेरे घर की दूसरी आमदनी 11 लाख। पर जैसे आप आके बैठे हो ना, मैं भी एक बार जाके बैठ गया था। और बाय चांस मैं लंच के बाद भी बैठा रहा। सर, अगर आप लंच के बाद भी वापस आए और बैठे हैं, इसका मतलब एक चीज तो गारंटी है, आप लोग जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। यस और यस। आप जो बार बार इस प्रोग्राम में आ रहे हो, बैठे हैं, जैसे कि बढ़िया से बढ़िया मोबाइल को चार्जिंग चाहिए होती, अगर एप्पल का भी फोन है अगर चार्जिंग नहीं हो तो काम करेगा क्या? आप ये प्रोग्राम सुनाते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, हम लोगों को सुनते हैं, आप अपने आप को चार्ज करते हैं। यस और यस। अगर बहुत बढ़िया फोन है, 1 लाख का भी फोन है, चार्जिंग नहीं होगा तो काम करेगा? तो क्या इंपॉर्टेंट है, फोन या चार्जिंग? चार्जिंग। तो ये जो चार्जिंग एसएसएल प्रोग्राम से, ये क्या चार्जिंग? आते रहोगे? यस सर, चार्जिंग होगी। फैंटास्टिक। तो हमने आज से 5 साल पहले बिजनेस को देखा, सीखा, समझा, काम करना शुरू किया। पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, 3 महीने बाद मेरे को समझ आया गेम बहुत अच्छा है। एक आईडी लगा, लेफ्ट में लोग, राइट में लोग, इन लोगों को ट्रेन किया, डेवलप किया, ये जब भी कुछ करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे, अपने को आएगा ओनली इनकमिंग फैसिलिटी। वाणी और जल्दी समझ आया, तो जाने को कुछ है ही नहीं, ओनली आने को। मेरे को तो समझ नहीं आता लोग मना क्यों करते हैं। तो किसी को बताओ भाई तुम्हारे पैसे दे तो 11,000 दे तो इतना दे, इतना आएगा, लोग आएंगे, जिन जिन लोगों ने मुझे मना किया, आज उनके पास क्या होगा?
वो वाले ज्यादा से आज बढ़ेंगे, आज बढ़ेंगे। जब हम लोगों ने जो क्रांतिकारी जो लोग अचीव कर रहे हैं, जब इन्होंने प्लान देखा, इनको समझ आया 11,000 में पान बीड़ी की दुकान भी खुलती है। अगर आज मैं टूथपेस्ट साबुन यहाँ बाजार से खरीदते यहाँ से खरीदते तो मेरे को खोने को क्या है, राइट। एक बार जब सिस्टम में आ गए और मीटिंग ट्रेनिंग में बैठे रहे, अगर आप एक ट्रेन में बैठ गए जो जयपुर से दिल्ली जाती है, टिकट ले लिया आपने 11,000 की और आप बैठ गए, और अगर आप बैठे रहे तो कहां पहुंचोगे, सही बता। आपका बिजनेस भी ऐसे ही है। अच्छा, क्या क्या वजह हो सकती है कि बंदा दिल्ली ना पहुंचे, एक ही करते बोलो, और कोई रीजन, टिकट ही ना ले, और क्या ट्रेन में नहीं बैठे, ट्रेन में ना बैठो, मतलब ज्वाइन कर लिया ट्रेनिंग में नहीं आया, है ना। और कोई रीजन, रास्ते में उतर गया, मुझे नहीं पता कि लोग इसको क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करते हैं, क्यों इतना दिमाग लगाते हैं। 2, 4, 8, 16 क्रांति हो गई यार, उसको भी समझ आने में। कुछ लोगों को रेफर किया, उन्होंने कुछ लोगों को रेफर किया, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, जब भी करेंगे आएगा। मेरे को तो एक्चुअली में लोग बोलते हैं सर मैं इतनी नहीं ज्वाइन करूंगा, इतनी नहीं ज्वाइन करूंगा। मैं जब किसी को समझाता हूँ लोग मुझसे इतना क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे लगता है मैं ही बड़ा नादान था, मैंने इतने क्वेश्चन पूछे ही नहीं। सो दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल, मगर लोगों को जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। बहुत मेहनत करके थोड़े पैसे कमाने की इतनी आदत पड़ी हुई है, जैसे ही हम बताते हैं थोड़े पैसे लगा के ज्यादा आएंगे, पोपड़ी की दुकान। यस और यस, हम लोग बहुत सुबह से शाम मेहनत कर रहे हैं। देखो दो प्लान चल रहे हैं धरती का, आजकल बता दू एक है 25-26 साल तक पढ़ो, बाप का पैसा खर्च करो, और फिर 40 साल तक फिरते रहो, गरीब भी रहो, कम पैसे करो, इसको कहते हैं नौकरी.com। हाँ। दूसरा प्लान ये है कि आओ काम सीखो, 2-3 लोगों को रेफर करो, 2-3 लोगों को रेफर करो, और लोग अपने इंडिया में बहुत गुड कंट्री है, ठीक है ना, लोगों को रेफर करो, जब भी कुछ करेंगे 2-3 साल सही सिस्टम में काम करके जिंदगी में खेल हो सकता है। अब आप मुझे बताइए कौन सा प्लान आपको जमता है, 40 साल या 2-3 साल, सही बोलो। कोई बहुत बड़ा कमाल लीजिए, बच्चे से पूछो वो भी जवाब देगा। अब आपको चीज समझ आ रही है कि जरूरी नहीं है कि हम 40 साल तक मिले। मेरा दूसरा पॉइंट जो मुझे समझ आया कि जितनी मेहनत कर करके हम गरीब रहते हैं, उससे कम मेहनत कर करके हम अमीर हो सकते हैं, सही बात है। yes. सही बात। yes. दूसरी बात, मैंने अपने डैड को देखा, मेरे डैड इंडियन एयरफोर्स में थे, जब उन्होंने नौकरी करनी शुरू की तब भी पैसे कम लगते थे, 40 साल के बाद रिटायर हुए तब भी पैसे कम लगते थे, सुबह जाते थे शाम को आते थे, किसके लिए, है ही ना, जवानी में था ना कम में था। तो मुझे समझ आया कि रिटायरमेंट होने के लिए बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है, रिटायरमेंट होने के लिए पैसे होने की जरूरत है, सही बात है। फैंटास्टिक। तो काम को सीखा, करते 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 आज हमने, मैं और इंदु बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहे, रियली दिल से वुड लाइक टू थैंक्स दिस माय लाइफस्टाइल हार्वेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल द मैनेजमेंट, एंड आप सबको दिल से दुआएं देता हूं मैं कि आप धरती के बहुत ही प्यारे बिजनेस हैं। अगर मैं नेटवर्क मार्केटर हूं, अगर मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूं, जब आपके पैसे बनते हैं तब हमारे पैसे बनते हैं यार, कितना प्यारा बिजनेस है। कर भला हो भला, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं डॉक्टर हूं आपके प्रोफेशन से आपके शहर से, तो मैं क्या चाहूंगा, बीमार पड़ो, बीमार पड़ो। अगर मैं मैकेनिक हूं तो मैं क्या चाहूंगा, कार ठोके। हर प्रोफेशन में दूसरे की जेब से पैसे निकाल के पैसे बनते हैं, सिर्फ माय लाइफस्टाइल का एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम दूसरों को कमा के बड़ा बिजनेस का। मुझे समझ नहीं आता कि नौकरी करने के लिए हर कोई मोटिवेट कर रहा है, स्कूल से टीचर से हर कोई मोटिवेट कर रहा है, वो मुझे अच्छा लगता है सुंदर निकाल रहे कि मेरा किसी बना 40 साल तक तेरा भी बनना चाहिए, मोटिवेटिंग यू। हमारा स्कूल कॉलेज सिस्टम सब कहता है बेटा नौकरी कर ले, टीचर कहते हैं स्कूल में जब आप ग्रेजुएशन होते हैं माँ बाप कहने जाते हैं बेटा अगर तेरी नौकरी लग जाए तो मजे आ जाएंगे, सही बात है। बच्चा बस एक बार पलट के पूछ ले माँ जो 20 साल से नौकरी कर रहे उनको मजा आ गए, हेलो। देखिए मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आज अपना कोई गोल रखे, कोई टारगेट रखे,
हम सबको समझ आ गया है कि चीज अच्छी है। अहिरे साहब को देख के समझ आ गया कि पैसे बनते हैं, मेरे को भी देख के समझ लो, अगर पैसे नहीं बनते तो मैं तितुरा के बोलता नहीं। तो बढ़िया, राइट? तो आज का टॉपिक रखा है मैंने ब्रेक द लिमिट। आदमी की लिमिट कौन डिसाइड करता है? वो खुद। तो आज जो आप पूरा दिन निकालने जा रहे हैं, सिर्फ बैठ के सुनो मत। आप ये देखिए कि हम स्टेज में हैं, हम लीडर्स की जगह अपना चेहरा देखिए और ये देखिए 6 महीने के बाद मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं अपनी टीम को नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान दे रहा हूं। सोच सकते हैं? सोच सकते हैं? क्योंकि कोई भी चीज होगा होती है पहले सोच में फिर हकीकत में। जिस दिन हम लोगों ने फॉर्म भरा था और उसी दिन समझ आ गया था कि हमने एक दिन हम प्रोग्राम करेंगे स्टेडियम लोगों से लबालब भरा होगा, जब हमारे पास 4-5 लोग भी नहीं थे और हम बोलते थे तो लोग कहते थे पागल हो गए। फिर हमें लगा कि पागलों ने इतिहास रचा, आम आदमी तो पढ़ा ही तो पागल ही बन जाते हैं। हमारे पंजाब में कहते हैं पागल, गल मतलब बात पंजाबी, तो पागल जिसके पल्ले बात पैरे वो पागल है, राइट? तो हमने 2-3 चीजें मुझे जो समझ आई सुबह के सेशन में भी देखा आपने, चाहने के लिए कुछ नहीं, आने के लिए कुछ। दूसरा तरीका बताओ अमीर होने का, दूसरा फार्मूला, ज्यादा लोग आपके लिए काम करेंगे आमदनी बढ़ सकती है कि कम हो सकती है? पक्की बात है इसको? सहमत है इसके सर? जो नहीं बोल रहे वो पक्का? स्माइल, हाँ राइट सर। और उनको अगर तनख्वाह भी नहीं देनी तो बढ़िया रहेगा, इतना सिंपल है। मुझे लगता है समझाते क्यों इतना, जिसको ना समझ आए बोल भाई जा 95% में 60 साल तक पिन पुलिस सुबह शाम अकेला काम कर, कितना अच्छा लगा तुझे, राइट ना? देखो हमारा समाज क्या सिखा रहा है कि जिंदगी भर किसी और की नौकरी करो। अच्छा नौकरी करना अच्छा है कि खुद का व्यापार करना अच्छा है? ज्यादा पैसे नौकरी में बनते हैं कि खुद के व्यापार में बनते हैं? फैंटास्टिक, वो आयरे साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो आज हम कुछ प्लान करेंगे, सुबह के सेशन से मोटिवेशन मिला? यस। पक्का? यस। अच्छी बात। यस। तो प्रोग्राम शुरू करूंगा अपना? यस। फैंटास्टिक।